आप बता सकते हैं आपकी फसल की स्थिति इस समय क्या है, कैसी है? गुलाबी सुंडी का अटैक ज़्यादा है। और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? और तो कोई समस्या नहीं, ज़्यादा केवल गुलाबी सुंडी है। गुलाबी सुंडी के लिए आपने क्या क्या अभी प्रिकॉशन यूज़ कर रखे हैं? प्रोक्लेम 2-3 बार कर दी, ठीक है, और प्रोफिनोफास कर दी, ठीक है, साइपर भी आपने 4 बार कर पानी और 2 या 3 बार, इफको लैम्डा वगैरह, लैम्डा साइलोहेथ्रिन करके कर दी। ओके, एक अभी सिजेंटा की दवा आई है आइसोसाइरो सीरम करके, तो उसका भी उपयोग करिए, तो वो आपकी वाइट फ्लाई और ये जितने सकिंग पेस्ट हैं उन पे और उसके बाद में इस पर सुंडी पे बहुत अच्छा उसका असर है। 160 ml पर एकड़ के हिसाब से वो पड़ती है। और ये आपने ये येलो ट्रैप लगा रखे हैं, और ये हमारा जो थर्मन ट्रैप है, इससे आपको अभी तक कुछ बेनिफिट दिखे? आई में मतलब थोड़ी लाइक अंदर आ जाएंगे, हर एक मतलब पेड़ा चिपकू है, चिप जाए सारा मच्छर चिप जाए। येलो ट्रैप देखिए, इसका एक मेन रीज़न ये होता है कि जैसे हम खेतों में जाते हैं, अनावश्यक स्प्रे हम इससे रोक सकते हैं, जैसे कि बिना फालतू की चीज़ें हम क्यों करें, बिना फालतू की स्प्रे। जैसे ये हमारा फेरोमोन ट्रैप है, इसमें अगर लगातार 3 दिन तक 8 या 9 जो भी है, जिन्हें आप बोलते हैं पिड़कले बोलते हैं, या वो नर वो आ रहे हैं, तो हमें स्प्रे उसके बाद करनी चाहिए। या उसके बाद, या हम अपने फील्ड में घूम रहे हैं 8 फ्लावर मतलब हम 20 जगह से फूल तोड़ेंगे, या अपने जो ये नए टिंडे बन रहे हैं इनको तोड़ेंगे 20, और उसमें अगर 2% तक इन्फेक्टेड है यानी कि इनमें, तो फिर हम स्प्रे करेंगे। ये चीज़ें आती हैं, मतलब ये हमारी होगी मॉनिटरिंग। एक होती है ETL लेवल, तो अगर 2% से ज़्यादा है तो फिर हमें अपना स्प्रे करना है। और कभी भी जो स्प्रे हम कर देते हैं ना, उसको दोबारा से रिपीट मत करिए, वरना फिर उसका मतलब जो असर है वो थोड़ा कम हो जाता है। कीट सहन करना है, हाँ, वो सहन करने की क्षमता वो कम हो जाती है। ब्राट हो गया, सॉर्टर हो गया, थायोडियाकार्ब हो गया, उसके बाद में आपका एंडोक्साकार्ब हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं जिनको हम स्प्रे के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और ये सिजेंटा का ये अभी नया टेक्निकल आया, तो इसका असर ज़्यादा होगा। और ये येलो ट्रैप से कुछ फ़ायदा? हाँ, इसका तो फ़ायदा है जी, इसके मच्छर चिप जाए सारा, हाँ सुंडी पता चल जाए। नहीं, ये जो येलो ट्रैप है ना, ये सकिंग पेस्ट के लिए है, मतलब जो हमारे रस चूसक कीट होते हैं ना, उनकी मॉनिटरिंग यानी कि जो निरीक्षण, जो हम फील्ड में निरीक्षण करते हैं ना, उनके लिए ये सही है। ये जैसे ऐसा होता है कि जो येलो ट्रैप होता है, ये जब हमारी फ्लावरिंग, इस टाइम पे फ्लावरिंग की कंडीशन ये सारी चल रही है, तो जो हमारे रस चूसक कीट होते हैं वो इस पर आकर्षित होते हैं, तो वो मतलब ये एक तरीके से इसे हम ये कह सकते हैं कि बिना जहर युक्त ये हमारा कीट नियंत्रक है। इसको लगाने से हम अनावश्यक, जैसे जो हमारा ETL लेवल होता है, अगर उससे ऊपर नहीं है तो हमें स्प्रे भी नहीं करने चाहिए अपने खेत में। नहीं, जैसे परले खेत में अपने सुंडी नहीं है, हाँ जी, वहाँ सुंडी वाली स्प्रे नहीं कर रहा, हाँ, तो फिर हमें वहाँ नहीं करनी है। हरा तेला और सफ़ेद मच्छर दोनों, वहाँ हरा तेला सफ़ेद मच्छर है, तो फिर हम वहाँ उसकी करेंगे। लेनो वगैरह करते हैं, यहाँ अपने लेनो वगैरह करते हैं, विप्रो लॉड कर दो, विप्रो फ्यूजन जो आता है उसकी आप कर दीजिए, उसकी मीरा क्लोरोपिड की कर दीजिए, और ये आपकी ये सारी चीज़ों कर दीजिए। उलाला हो गया आपका, रेनो हो गया, लेनो हो गया, लेनो करानी ज़्यादा, लेनो का असर ज़्यादा अच्छा का होता है, अच्छा, और ओसिन कर देते हैं, ठीक है, हाँ, ओसिन का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, ठीक है।